तो भाई आप लोगों को पता है कि अभी चल रहा है बांग्लादेश वर्सेस इंडिया का टेस्ट मैच, जो कि दो टेस्ट मैचों की सीरीज है, जिसमें पहला मैच बहुत ही एक तरफा मुकाबला हुआ, जिसमें इंडिया ने पूरी तरह से डोमिनेट दिखाते हुए बांग्लादेश को चारों खाने चित कर दिया और उनको आसानी से हरा दिया। जी हाँ दोस्तों, इस मैच में हम पूरी जानकारी देने वाले हैं आपको। सबसे पहले टॉस जीतकर बांग्लादेश ने फील्डिंग करने का निर्णय लिया, जो कि उनके पक्ष में, शुरू में तो लगा कि उनके पक्ष में है, लेकिन बाद में जाकर पता चला कि उनके पक्ष में नहीं है, क्योंकि शुरू में तो जल्दी जल्दी विकेट गिर गया विराट कोहली, रोहित शर्मा और शुभमन गिल का, लेकिन बाद में सब पारी को संभाला। पहले तो यशस्वी जायसवाल ने संभाला, उसके बाद अश्विन और जडेजा ने पारी को संभाला और आगे की तरफ ले गए। इसके बाद पूरा एक तरफा मुकाबला हुआ। उसके बाद बैटिंग करने आई बांग्लादेश की टीम को भारत की टीम ने बहुत ही आसानी से ऑल आउट कर दिया 149 रनों पर। इसी के साथ में इंडिया ने ये मैच आसानी से जीत लिया। और इस मैच के हीरो थे रविचंद्रन अश्विन, जो कि बल्ले और गेंदबाजी से बहुत खतरनाक मुकाबला, मतलब खतरनाक पारी खेली और गेंदबाजी भी की, इससे उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड मिला।